देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की आज शुरुआत हो चुकी है। 3 दिवसीय इन्वेस्टर समिट को लेकर आम जनता क्या सोचती है, क्या उनका कहना है, इस पर हमारे संवाददाता ने उनकी राय जानी है। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आज एक त्योहार का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके का यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो मथुरा से आए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो जो नृत्य कर रहे हैं, राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारा जो कार्यक्रम जो यहाँ पे चलाया जा रहा है, वो कार्यक्रम कुल मिलाकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो हमारे देश और विदेश से जो मेहमान यहाँ पे पहुँचे हैं, लगभग 16 देशों से भी ज़्यादा के मेहमान हमारे लखनऊ में पहुँचे हुए हैं और लखनऊ में कहीं ना कहीं रोजगार को और जो इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो उन्नति देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं साकार होता सपना दिख रहा है। आज ये लखनऊ में जिस तरीके का उत्साह का माहौल और एक त्यौहार का माहौल देखने को मिल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे आखिर वो कहाँ पर आए, कहाँ से आए हुए हैं और किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, किसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आप और क्या कार्यक्रम हो रहा है, कहाँ से आप आए हैं? हम मथुरा से। तो यहाँ पे क्या कार्यक्रम अभी चल रहा है? हमारा जो है, हमारे मथुरा का प्रसिद्ध मयूर नृत्य चल रहा है, इसका जो यहाँ पर हमारे जो समिट में जो बिजनेसमैन आए हुए हैं, जो पैसा उसको उपलक्ष्य में हमको हमारे योगी जी ने, संस्कृति विभाग ने सभी आर्टिस्टों को, फोक आर्टिस्टों को जगह जगह चौराहे पर मंच बना करके उनको स्वागत के लिए हमको यहाँ बुला। क्या योगी जी कलाकारों के लिए भी कुछ कर रहे हैं इसके बारे में समझ में? देखो, चल तो रहा है लेकिन एक ही थोड़ा सा वो रह रहा है, बाकी का सब बढ़िया है। कार्यक्रम हमारे आर्टिस्टों को मिल रहे हैं, रोजी रोटी भी मिल रही है, लेकिन थोड़ा क्या है कि देखते हैं कि किसी फिल्म कलाकार को बुलाया जाता है तो उसकी कीमत कम से कम 10 लाख रुपए में एक दिन को आती है, लेकिन फोक आर्टिस्टों को इतना पैसा नहीं दिया जाता, मात्र 800 रुपये पर डे के हिसाब से दिए। सुबह 9 बजे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 5 बजे तक 6 बजे तक करेंगे, 800 रुपये में क्या। ये मथुरा से आए हुए हैं और मयूर नृत्य इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उस कार्यक्रम के तहत लोहिया पार्क चौराहे पर यहाँ पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ के जो फोक आर्टिस्ट हैं उनका ही साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के इतने बड़े कार्यक्रम कर रही है, तो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और जो फोक जो कलाकार हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जगह निकालनी चाहिए गवर्नमेंट को, उत्तर प्रदेश सरकार को। ये अपनी बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि इनके लिए भी वो कार्य किया जाए, क्योंकि ये सुबह से लगे हुए हैं और 800 रुपये में पूरी कलाकार अपना दिन भर समय व्यतीत कर रहे हैं धूप में। भारत की संस्कृति को दर्शाता हुआ लखनऊ के हर चौराहे पर जिस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो नृत्य चल रहा है, कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को ये नृत्य दर्शा रहा है। लगातार जिस तरीके से देश में ग्रोथ इंजन की सरकार चल रही है और आज राजधानी लखनऊ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका आगाज किया था। तो आज हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो नृत्य चल रहा है, कहीं ना कहीं जो देश और विदेश के मेहमान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उनके स्वागत के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। हमारे पीछे आप देखिए इन्वेस्टर समिट को लेकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या ये कौन सा नृत्य हो रहा है यहाँ पर? ये गोविया नृत्य है गाजीपुर, ये गाजीपुर का गोविया नृत्य। तो ये किस लिए यहाँ पर आए आप? ये तो हम लोग आ रहे हैं मोदी जी योगी के आगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और जगह जगह ये त्यौहार का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? सर, इससे बहुत हर्षोल्लास हम लोगों को है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे सीएम योगी जी, इन दोनों का बहुत अहम भूमिका है। ऐसी सरकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी चाहेंगे कि ऐसी ही गवर्नमेंट चलती रहे। क्या अच्छाई है इस सरकार में, क्या अच्छाई है इसमें? अच्छाई तो गिना ही नहीं सकते हैं, अब बुराई तो कुछ भी है ही नहीं। चार अच्छाई गिनाइए, क्या अच्छाई? चार अच्छाई है, यहाँ पे हमारे लखनऊ की लोकेशन देख लीजिए, कितना बेहतरीन तरीके से हमारा लोकेशन दिख रहा है। यहाँ पे गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है,
सब लोग को रोजगार बराबर मिल रहा है, और क्या चाहिए हम लोगों को। तो लगातार योगी जी और मोदी जी कह रहे हैं स्वच्छता बना के रखिए, पान मसाला मत खाइए, थूकिए नहीं जगह जगह, तब भी लोग नहीं मान रहे हैं, उसमें क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए सर, इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे, हम खुद ही खा लेते हैं कभी कभार। अच्छा, लेकिन ठीक है, मसाला खा लेते अच्छी बात नहीं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिलहाल जिस तरीके से लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, कितना साफ सफाई दिख रही है, लोग खुश हैं और लोग बाहर से आ रहे हैं, देखने वाले भी और तारीफ। तो साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। अभी कैसे उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? मैं तो खुद उठाऊंगा, धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, ऐसा नहीं है। कैसे जागरूक करेंगे लोग? देख के, माहौल को देख के समझेंगे, सब कुछ देखेंगे। आज जिस तरीके से पूरे लखनऊ को साफ सुथरा किया गया, एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्या इसी तरह लोग चाहेंगे कि इसी तरह साफ सफाई और व्यवस्था बनी रहे? बिल्कुल चाहेंगे, 100% होगा, सबका योगदान होगा, अच्छी तरह से होगा। जो भी विरासत थी उनको वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार कहीं ना कहीं कदम उठाए हैं, जिसको लेकर के अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लखनऊ में पूरा उत्साह का माहौल और एक त्यौहार सा माहौल बना हुआ है। कैमरामैन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन आज से शुरू हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस समय हम शर्मा चाय की दुकान के आसपास खड़े हैं और यहां लोगों से बातचीत करेंगे कि कैसा उत्साह उनको इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर है। क्या नाम है सर आपका? ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में GIS और G20 का आयोजन हो रहा है, तो कैसा उत्साह है लोगों में? लोगों में उत्साह बहुत अच्छा है, जनता यहाँ पर काफ़ी उत्सुक है और कारखाने बहुत लोग जा भी रहे हैं, जान पहचान वाले हमारे मिलता थम भी जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 trillion इकोनॉमी की बात बताने की बात कर रही है, तो कितना ये सपना साकार हो पाएगा सरकार का? तो यही है कि सरकार पूरी कायम रहेगी, मोदी है तो उसको कुछ तो होगा ही होगा। अच्छा, लगातार जो है रोजगार की बात की जा रही है, मुकेश अंबानी ने आज कहा कि वो 75,000 करोड़ रुपये यूपी में और निवेश करेंगे और कम से कम 1,00,000 रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को देंगे, तो क्या लगता है कि कितने रोजगार के क्या साधन बन पाएंगे, रोजगार संसाधन हो पाएंगे? बिल्कुल लग पाएंगे, 75,000 करोड़ का इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हैं, उससे तो इतना होगा होगा ही, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कर रहे हैं जो हमें, तो हो जाएगा, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हम और भी लोगों से उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि किस प्रकार से वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 के आयोजन को देखते हैं। तो क्या नाम है डॉक्टर साहब? ये बताइए कि कैसा लग रहा है कि GIS और G20 का आयोजन लखनऊ में हो रहा है? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, मतलब अपने यूपी जितना बढ़ेगा उतना बेहतर है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल के फील्ड से आते हैं, तो वहाँ भी कई बार संसाधनों की कमी देखी जाती है, इस इन्वेस्टमेंट में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसमें फार्मा के सेक्टर में काफ़ी कंपनियाँ निवेश कर रही हैं, फार्मा सेक्टर में उनको लाया जा रहा है ताकि संसाधन अच्छे हों, सुविधाएँ अच्छी हों। ये तो बहुत बेहतर है हमारे मेडिकल के लिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या है इन्वेस्ट कम होता है, हम लोग को जो पढ़ाया जाता है उसमें दिखाया जाता है कि कम खर्च किया जा रहा है, तो अगर उस पर इन्वेस्ट हो रहा है तो बहुत बेहतर है हमारे मेडिकल फील्ड के लिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी आप स्टूडेंट हैं? जी, मेरा कंप्लीट हो गया है फिल्म जी। अच्छा, कहाँ से? मैं बाहर से पढ़ रहा हूँ, चाइना से, और यहाँ पे एफएम जी का एग्जाम ज्वाइन नहीं किया, बस ज्वाइन करना है। हमारा बलरामपुर में है, ये बलरामपुर में मतलब क्वालिटी से आया। आप बलरामपुर का काम कर? जी जी, बलरामपुर में उसको डॉक्टर है, अभी कौन सी विभाग में है? इसमें मेरे डिपार्टमेंट है। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि फार्मा के सेक्टर में काफ़ी निवेश हो रहा है, हमने कई बार देखा है कि सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी होती है, इससे मरीजों को हल्का होना पड़ता है और आप लोग भी कई प्रकार की समस्याएं से जूझते रहते हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों में संसाधन तो हैं लेकिन वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा है, इससे मरीजों को काफ़ी तकलीफ होती है, तो सरकारी क्षेत्र में फार्मा का जो निवेश हो रहा है कितना अच्छा है मरीजों के लिए या मेडिकल फील्ड में? मेडिकल में फार्मा जो सरकार कर रही है तो पर्याप्त मात्रा में कर रही है, लेकिन अभी जो सरकारी जगह में डॉक्टर बहुत कम है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानियाँ सहनी पड़ रही हैं, तो गवर्नमेंट से यही रहेगा कि यहाँ डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे जो मरीज आते हैं अगर भीड़ लगती है, लाइन लगती है, उससे छुटकारा मिलेगा, तो दवाइयों के साथ साथ डॉक्टर की संख्या बढ़ेगा साथ में, इससे हमारी यही राय है। तो अभी हम कुछ और लोगों से जानेंगे क्या उनकी प्रतिक्रिया है, क्या नाम है? तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो G20 और GIS को लेकर जो है पूरा लखनऊ चमक रहा है, आपने भी नोटिस किया होगा कि हर जगह पे जो है फूल लगा दिए गए हैं, सजावट कर दी गए, दुल्हन की तरह लखनऊ चमक रहा है, कैसा लग रहा है? बस उम्मीद यही है कि और अच्छा है, जब तक चल रहा है अच्छा है,
लोगों से बस मेरी एक यही दरख्वास्त है कि जब से चमक रहा है लोग का उसके बारे में बताइए, जैसे वो चमक रहा है उसको और आने वाले भविष्य में और चमकाने की कोशिश सब लोग सहयोग करें। सरकार ये कह रही है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से लाखों रोजगार पैदा होंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो क्या लगता है कि ये जो रोजगार का जो रुना विपक्ष रोता है या फिर युवा वर्ग हमारे रोजगार की बात करते हैं कि उनको रोजगार मिलना चाहिए, कितना फ़ायदा उनको पहुंच सकता है इससे? मिलना तो चाहिए पर आने वाले टाइम में उसके बस हम उम्मीद ही रख सकते हैं, देखते हैं क्या होता है सरकार कैसे क्या फैसला करती है, बस उसके लिए उम्मीद ही हमारी है कुछ नहीं। फिर से जो भारत को जो रोज़गार है डे बाई डे कमी हो रहा है, लोग गवर्नमेंट नौकरी मिल नहीं रही है, प्राइवेट सेक्टर में भाग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में अगर लोग कोशिश कर रहे हैं तो बहुत खींचातानी के बाद उनको नौकरी मिलती है, उनका जो रोज़गार है एक टाइप से सही नहीं चल रहा है इस टाइम इंडिया की जो इतनी बुरी हालत है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं और उम्मीद के अलावा हम लोग के पास कुछ। अच्छा, कोरोना महामारी के बाद आपने देखा होगा कि स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर ने काफ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाला होगा और लगातार जो है विदेशों से भी निवेशक यहाँ के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, तो कितना ये सफल कदम है सरकार के द्वारा? अगर ऐसा हो रहा है कि बाहर की कंट्री हम इंडिया में या किसी भी स्टेट में इन्वेस्ट करें तो हमारे इंडिया के लिए वो तरक्की का ही एक है, बट अगर हो रहा है तो अच्छी बात है और उसको सरकार का सहयोग करना चाहिए कि और तरक्की हो और लोग अच्छे से नौकरी करें और लोग अच्छे से उन्नति पा सकें अच्छा से। तो और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और यहाँ पे आप बताइए जो GIS और G20 का आयोजन हो रहा है उसको सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुझे बोलने का एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो लखनऊ चमक रहा ऐसे जो BA MA पर स्नातक की पढ़ाई किए हुए हैं उनकी ज़िंदगी भी तो चमके। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, देखिए सफल आयोजन हो रहा है तो उसका मतलब जो हक युवाओं के पक्ष में भी तो आना चाहिए। BA MA हाईस्कूल इंटर जो पढ़ाई होती है सरकारी उनको योग्यता के अनुसार उनको वेतन मिलना चाहिए तभी मतलब ये आयोजन सर मतलब सफल है, वरना तो सर मतलब ऐसे ना जाने कितने आयोजन होते रहेंगे, ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। अच्छा, ये बताइए कि जिस प्रकार से अब विदेशों से निवेश आ रहा है उत्तर प्रदेश में, अब घरेलू इन्वेस्टर भी निवेश कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा चलाए गए हैं, तो क्या लगता है कि कितना जो है सरकार जो लक्ष्य रखा है इतना बड़ा लक्ष्य रखा है क्या अपने उसको सरकार पूरा कर पाएगी और लाखों लोगों को रोजगार दे पाएगी? सर देखिए, सरकार अपनी हिसाब से मतलब कहते हैं बहुत ही बेहतरीन कोशिश कर रही है, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि मतलब ये निवेश हो रहा, प्रश्न ये है कि युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, ये मेरी अपनी पब्लिक ओपिनियन है। ये देखिए, लखनऊ में आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पहला दिन है, इसके बाद G20 का आयोजन किया जाएगा, उत्तर प्रदेश मेजबानी कर रहा है G20 का, लखनऊ का माहौल माहौल अच्छा है, तैयारी अच्छी चल रही है, यहाँ की तैयारी ये थोड़ा सा तारीफ लायक एक अच्छा लेकिन जो महंगाई है बेरोजगारी है जैसे गैस सिलेंडर कैसे बहुत सारी चीज़ें बेची हुई हैं, तो सब चीज़ों पर काम करना बहुत जरूरी है, ये हवा हवाई करना उचित नहीं है हमारे साथ। तो हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि रोजगार और महंगाई का मुद्दा है, तो सरकार जो है लगातार इन्वेस्टर समिट करा रही है, विदेशी निवेशक यहाँ पे आ रहे हैं, घरेलू निवेशक भी यहाँ पे निवेश करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस निवेश से काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा और तकरीबन रिलायंस में कितना है कि उनके जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे उत्तर प्रदेश में उससे कम से कम 1 लाख डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, रिलायंस में और क्या नाम है BJP में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अंबानी और मोदी एक बराबर है, बिल्कुल बराबर है, आप इतने सारे उद्योगपति हैं उनको क्यों नहीं आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको भी दीजिए ना। मुझे लगा आप अडानी का नाम लेंगे, लेकिन अडानी भी है वो भी है, दो ही लोग तो चल रहे हैं आज के टाइम पर भाई, तीसरे इनको प्रायोरिटी दीजिए, इतने सारे उद्योगपति हमारे भारत में हैं तो उनको भी दीजिए ना, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे कि इन लोग आपकी दोस्ती है अच्छी खासी। नहीं, मैं आपको बता दूं कि विदेशी निवेशक भी यहाँ पे हैं, टाटा भी है, बिरला भी है और तमाम बड़े उद्योगपति यहाँ पे निवेश कर रहे हैं। रिलायंस की बात की है तो मैं अभी उसके बारे में उस टॉपिक में बात करूँ, अगर आप तीसरे के बारे में बात करते तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो क्या लगता है कि कितना रोजगार सृजन हो पाएगा उत्तर प्रदेश में इस इन्वेस्टर समिट के लिए? नहीं, वो तो वक्त बताएगा आगे चल के, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से प्रयास किया ठीक प्रयास होना चाहिए, अच्छा सरकार को पूरा 100% देना चाहिए। इस आयोजन के लिए जो सरकार ने मेहनत की है, GIS के आयोजन की बात हो या G20 की बात हो, लखनऊ को चमकाने का प्रयास किया है, तो कैसा लग रहा है कि आपको कितना सफल हुआ लखनऊ को चमकाने में? चमकाने की बात तो अभी तो हम कह रहे हैं क्योंकि चमकाना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पर जो चीज़ें लोगों को तंग कर रही हैं,
जॉब को लेकर इतना जॉबलेस से लोग घूम रहे हैं, मतलब ग्रेजुएट हैं, बीटेक किए हुए हैं, और यहाँ तक कि अच्छे खासे बीएड करके बैठे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। अब ये चमकाना क्या है, ये तो उतना ज़रूरी नहीं है, हमको मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है कि वैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो आप अपने घर को साफ सफाई करते हैं, वो तो ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी बोल दिया ना कि तैयारी ऐसी चल रही है, यहाँ तक हो गई है, आप चले जाइए, हबीबगंज चले जाइए, गोमती नगर चले जाइए, और तमाम सारे लोग चले जाइए। बाकी युवा वर्ग की सरकार से क्या उम्मीद है जीआईएस और G20 को लेकर रोजगार के लिए? बस हम यही कहेंगे कितने लोग जॉब ले घूम रहे हैं और वैकेंसी निकाले, उनको जॉब करवाएंगे। आप जॉब करते हैं? अभी पढ़ रहा हूँ। तो हमारे जो युवा वर्ग है, जो छात्र वर्ग है, वो लगातार रोजगार की बात कर रहा है और इस तरह से किसी बात कर रहा है कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, जितने लोग एलिजिबल हैं, जितने क्वालिफाइड लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए ताकि देश का विकास हो सके। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे GIS और G20 को लेकर। लखनऊ में GIS और G20 का आयोजन हो रहा है, ग्लोबल इंटर समिट का पहला दिन है, प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे और तमाम तरह के जो निवेशक हैं देश विदेश से यहाँ आके निवेश करने की बात है। ये बहुत ही सकारात्मक प्रयास है सरकार का और हम ये कह रहे हैं कि ऐसे जो आयोजन होते हैं, इस आयोजन से कहीं ना कहीं देश में और उत्तर प्रदेश के अंदर जो नौजवान जो बेरोजगार और ऐसे आयोजन से रोजगार के अवसर निकलते हैं और जो भी सकारात्मक प्रयास सरकार के हैं उस सरकार के सकारात्मक प्रयास की प्रशंसा करनी चाहिए, पब्लिक को भी करनी चाहिए और जो हमारी अच्छी पार्टियां हैं उनको भी करनी चाहिए। लगातार विपक्ष इस सरकार पे आरोप लगा रहा है कि ऐसे समय सरकार कराती रहती है लेकिन धरातल स्तर तक कुछ निकल के नहीं आता है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर ही पूरा विपक्ष सरकार पे एकदम आक्रोशित है और जहाँ तक सपा की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ यही बात दोहरा रहे हैं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में जितनी चीज़ें हुई थी उसी को ही भरोसा डाल। देखिए ये डबल इंजन की सरकार है, वो केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों सरकार एक है और ये राम और हनुमान जी की जोड़ी है और राम और हनुमान जी की जोड़ी हमारे देश के अथक प्रयास के लिए जो भी काम करेंगे वो मजबूती के साथ करेंगे। आज जो भी काम हो रहा है वो धरातल पे भी दिख रहा है और देश में भी दिख रहा है, प्रदेश में भी दिख रहा है और इंडिया के बाहर भी दिख रहा है। विपक्ष का काम केवल सत्ता हथियाने का है। अखिलेश यादव की जहाँ तक बात है, अखिलेश यादव के पास आज राजनीतिक हैसियत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा ले सके। भारतीय जनता पार्टी केवल अभी सिर्फ हिंदू समाज की ही पार्टी नहीं रह गई, भारतीय जनता पार्टी अब सर्व समाज की पार्टी हो गई। पहले मोदी जी राम है और योगी जी हनुमान है। देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जोड़ी है राम और हनुमान जी की जोड़ी, ये जोड़ी भारत को बहुत आगे तक ले जाने का काम करेगी और विपक्ष का काम जहाँ तक बात अखिलेश यादव की कर रहे हो तो वो राजनीतिक उनकी हैसियत नहीं है, वो ऐन कैन प्रकरण से लोगों का ध्यान बेरोजगार और रोजगार की तरफ ले जाकर बेरोजगारी का डर दिखाकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सरकार प्रयास कर रही है, बाबा जी प्रयास कर रहे हैं लोगों को रोजगार देने का, उसको अवसर प्राप्त हो आएगा। सरकार प्रयास कर रही है, वो प्रयास का एफर्ट दिखना चाहिए हमारे युवा भाई। अभी आपने सुना वो कह रहे हैं कि रोजगार जो है युवा पीढ़ी मांगती है, जो लोग क्वालिफाइड हैं वो रोजगार मांगते हैं, तो सरकार का काम सिर्फ प्रयास करना है? नहीं, प्रयास करने का नहीं है, लेकिन सरकार प्रयास तो कर रही है, सुअवसर कर रही है। अगर इतना बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है, देश दुनिया के लोग आज लखनऊ में हैं, आज आप लखनऊ में जाके देखिए कितना लखनऊ चमक रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश और लखनऊ की रोडें चमक रही हैं, आने वाले समय में पूरा उत्तर प्रदेश चमकेगा। जहाँ तक नौजवानों की बात है, थोड़ा समय लगता है, 7 साल सरकार भाजपा की नहीं थी, सिस्टम बिगड़ा हुआ था, सिस्टम सुधर रहा है और कोई भी चीज़ बड़ी बीमारी जब होती है तो बड़ी बीमारी को ठीक होने में समय लगता है। जो नासूर जो कैंसर हो गया था, उस नासूर और कैंसर को सुधारने में या उसका इलाज करने में समय लगता है, अब वो समय आ गया है कि वो इलाज हो रहा है और अब नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और
नौकरी भी आपको मिलेगी। लखनऊ की जनता में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 के लिए कितना उत्साह है? आप भी लखनऊ के रहने वाले हैं, देख ही रहे हैं सारी चीज़ें, कितना उत्साह करता है? बहुत उत्साह है, मैं तो देख रहा हूँ। मैं खुद उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हजारों हजारों की संख्या में लोग नौजवान उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कार्यक्रम स्थल के पास मौजूद हैं, जबकि उनके पास पास भी नहीं है, लेकिन उत्साह है प्रधानमंत्री को देखने का, बाहर के जो निवेशक आए हैं उनसे मिलने का। तो ऐसा नहीं है, आज कार्यक्रम का पहला दिन था, प्रधानमंत्री आए थे तो नौजवानों की एंट्री नहीं हो पाई, मीडिया के लोग थे, निवेशक थे, देश दुनिया के लोग थे, लेकिन जो यूपी के या जो लखनऊ के नौजवान हैं उनको भी अवसर मिलेगा वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे जो है लखनऊ की जनता जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए एकदम उत्साहित नज़र आ रही है। हमने हर वर्ग से बात करने की कोशिश की, चाहे वो युवा पीढ़ी हो, चाहे वो 40 पार की पीढ़ी हो, सबने अपने अपने वक्तव्य जो है हमारे सामने रखे। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ उत्साह है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। क्या नाम है भैया आपका? ये बताइए मधु जी कि GIS और G20 का आयोजन हो रहा है, आज पहला दिन था GIS का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए हैं और बड़े बड़े रोजगार के दावे जो है निवेशक और पदाधिकारी जो कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, तो क्या लगता है कितना रोजगार इस GIS से हो सकता है? रोजगार के लिए तो बहुत सारे बेरोजगार लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे रोजगार आएगा। अब उसके लिए तो देखना पड़ेगा आगे कि प्रधानमंत्री हैं और हमारे योगी जी क्या प्लान कर रहे हैं, वो तो देखिए आज की मीटिंग के बाद पता ही चली आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे। ये बताइए लखनऊ से आप हैं, लखनऊ की जनता में कितना उत्साह है इस आयोजन के लिए, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि लखनऊ को चमकाया जा रहा है, उसको दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उत्साह तो बहुत लोगों में है, देखिए आगे क्या होता है। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के कुछ लोग, लखनऊ की जनता, जिन्होंने GIS और G20 के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। युवा वर्ग ने ये कहा कि उनको रोजगार चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से सरकार उन्हें या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के द्वारा लाके देती हो या फिर अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकाल के देती हो। इस तरीके से हमने हर वर्ग से उनकी राय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 को लेकर जाननी चाहिए। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। तो ये थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आम जनता की राय। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।